ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो क्या है। तो ये टैक्सी ड्राइवर फिल हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर ने मंडे के दिन अपने कार में कितना लीटर पेट्रोल डलवाया, 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। उसके बाद द नेक्स्ट डे यानी किस दिन, ट्यूसडे के दिन ही फील्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी अगले दिन उन्होंने 50 लीटर का पेट्रोल यानी 50 लीटर टोटल पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया। तो इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपया पर लीटर, यानी कि पेट्रोल का कॉस्ट कितना है, 44 रुपया 1 लीटर का है। बताओ भला किस ज़माने का लगता है ये बुक में, बहुत पुराना बुक होगा ये, पुराना बुक तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि उस ज़माने में जब ये क्वेश्चन लिखा जा रहा होगा ना तब 44 रुपये पेट्रोल होगा। अभी तो इसका डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 44 का डबल 88 होता है, जबकि अभी हमारे पास 90 के आसपास पेट्रोल का रेट हो गया है। ठीक है, तो उस ज़माने में जो कॉस्ट था वो 44 पर लीटर था। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, यानी कि उन्होंने टोटल जो पेट्रोल में कितना खर्च किया ना ये बताना है, यानी कि मंडे का 40 लीटर और ट्यूसडे के दिन का 50 लीटर मिला करके उन्होंने टोटल कितना है ना कॉस्ट उनको पड़ेगा वो बताना है। तो देखो 1 लीटर का 44 रुपया है, तो 40 लीटर निकालने हम क्या करेंगे, 44 का 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से 50 लीटर निकालने के लिए 44 का 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके, ये जो हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में जो हमने 3 में आपको सिखाया था ना, इस तरीके से हम दोनों को आपस में शॉर्ट फॉर्म में लिख करके कॉमन लेकर के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो स्टेटमेंट हमारे बुक में दिया गया है उसी को आप उतार लो, यानी कि वहाँ पर हमें पेट्रोल के बारे में पूछा गया था और ये देखो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे कि पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे, यानी कि पेट्रोल जो मंडे के दिन भरा गया था वो कितना था, 40 लीटर था, और उसी तरीके से पेट्रोल फील्ड ऑन ट्यूसडे, यहाँ पर मैंने डैश कर लिया, आप अगर फेयर में सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा यहाँ पर लिखना पेट्रोल फील्ड ऑन ट्यूसडे तो इक्वल टू 50 लीटर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट है पेट्रोल का वो कितना है, यहाँ पर आप लिख लो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, यानी कि पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो है 44 रुपया पर लीटर ना, तो इसको आप इस तरीके से पर लीटर लिख सकते हो, समझ में आ रहा है बात ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास जब 44 रुपया का 1 लीटर मिल रहा है पेट्रोल, तो 40 लीटर और 50 लीटर दो दिन उन्होंने लिया है, तो हम क्या करेंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, पहले हम 40 लीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, और उसी तरीके से 50 लीटर निकालने के लिए 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर भी 44 है, यहाँ भी 44 है, तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कॉमन लेने वाला रूल ना, बस वही हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, पहले से भी डिस्ट्रीब्यूट में है इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लो, तो 44 को दोनों जगह से कॉमन ले लो, बचेगा क्या हमारे पास मल्टीप्लाई में, ये 40 बच जाएगा और प्लस में ये 50 बच जाएगा, तो बस इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई में 40 और 50 कितना होता है 90 होता है, इक्वल टू 90। अब यहाँ पर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 94 से कितना होता है 36 का 6 कैरी हो गया 3, फिर 94 जा 36 और 3 39, और ये जो लास्ट का 0 है इसको उतार दीजिए, यानी जो उनको टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, तो 3960 रुपीज़ पड़ेगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट है ना कॉमन लेना, वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है, कॉमन ले लीजिए दोनों में से और उसको आपस में ऐड करके सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको लंबा चौड़ा भी यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करोगे, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, तो भी आपका लास्ट में इतना ही आंसर आएगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, जो हमारा प्रॉपर्टी हमने जो भी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 3-4 में वो यूज़ करेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं आपको इसी मेथड से, यानी कि सिंपल जो भी हमारा तरीका रहेगा उस वे आपको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सामने भी दो विंडो बन हो गए होंगे, लेफ्ट में क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।